दुनिया भर में चाय की खेती के लिए मशहूर असम अब ऑस्कर के लिए भी जाना जा सकता है। जी हाँ, असम की फिल्म विलेज रॉकस्टार को ऑस्कर 2019 के लिए ऑफिशियल एंट्री मिल चुकी है। फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। असमिया सिनेमा के लिए ये बेहद गर्व की बात है। आइए अब देखते हैं इस फिल्म के ऑस्कर तक पहुँचने का सफर। बॉलीवुड की करोड़ों कमाने वाली फिल्मों को पीछे छोड़ असम की रीमा दास की फिल्म विलेज रॉक स्टार्स राष्ट्रीय पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ संपादन का अवार्ड जीतने में तो सफल हो ही गई थी कि अब इस फिल्म ने ऑस्कर में भी अपनी जगह बना ली है। फिल्म को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष SV राजेंद्र सिंह बाबू ने इस बात की घोषणा की है। इस फिल्म का वर्ल्ड प्रीमियर टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2017 में हुआ था और 70 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स में ये फिल्म दिखाई जा चुकी है। रीमा दास की ये फिल्म कुछ अद्भुत बच्चों की कहानी है जो एक मजेदार जीवन जीते हैं। फिल्म का एक रॉक बैंड के रूप में बच्चों के साथ आगाज होता है। इसे बहुत ही मजाकिया अंदाज में पेश किया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि ये फिल्म भी देश के नाम ऑस्कर कर पाती है या नहीं। DB लाइव की रिपोर्ट। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहां है खबरें लगातार।